25-20 में या 25-25 में डुप्लेक्स, मतलब डुप्लेक्स कैसे निकालनी है कॉपी वो मैं बता देता हूँ एक बार। तो दीजिए यार आपको पेपर, ये नहीं कोई भी डुप्लेक्स के लिए कोई भी दे दीजिए। हाँ ये है ना, डुप्लेक्स कैसे निकालना, दोनों साइड, डुप्लेक्स मीन्स दोनों साइड। इसको यहाँ डालेंगे, नीचे से ग्लास से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से ग्लास से क्या आपको पेपर चेंज करना पड़ेगा, हटा दीजिए तो यहाँ पेपर चेंज करके निकालेंगे, फिर चेंज करेंगे तब निकलेंगे। देखिए मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, यहाँ रखें आप, यहाँ गए डुप्लेक्स और ये टू साइड, ओके किया। ये ओके करने के बाद आप जितना कॉपी चाहिए वो प्रेस कर दीजिए, बाय डिफॉल्ट एक रहेगा ही, और स्टार्ट कर दीजिए। और ये स्कैनिंग दिखा रहा है यहाँ पे, हाँ अब नया वो पेपर चेंज करने के लिए बोल रहा है, कब पेपर चेंज कर। ठीक है, ये पेपर हमें चेंज कर दिया, और ये इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, फिर से स्टार्ट कर देना है। कॉपी आपकी निकलेगी, नीचे पेपर को कभी पकड़िए नहीं, पेपर आया और फिर अंदर गया, फिर आएगी आपकी टू साइड आ गया। देखिए आप ओरिजिनल भी देख लीजिए, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल हो गया, आपकी फोटो टू साइड ये भी है। अब आपको ऊपर से निकालने का भी वही सेम फीचर रहेगा, मशीन को कुछ भी करें रीसेट कर दें, ताकि डन कर दें, डन कर दें, रीसेट कर दें, ठीक है। मशीन आपको फिर ऐसे मिलेगी, फिर आपको डुप्लेक्स निकालना है, वाई दे बंच है 10-20-50 जितना भी इसमें आ सके, ठीक है। ये नॉच तक जितना पेपर आ सकता है 50-100 वो आप लगा सकते हैं आपके पेपर के हिसाब से, ठीक है। अब आपको फिर से यहीं जाना है डुप्लेक्स, ठीक है, फिर आप स्टार्ट दबाएंगे, ओके करके भी दबा सकते हैं, ऐसे भी दबा सकते हैं, कुछ ऐसा बड़ा इशू नहीं, ठीक है। पेपर आएगा फिर जाएगा, उसको पकड़ना नहीं, ये पेपर देखो, पेपर पकड़ देंगे तो पेपर जाम हो जाएगा, ठीक है, ये पेपर निकल गया, अब वही चीज़ यहाँ फिर से होगी। ये हो गया आपका डुप्लेक्स पेपर, ठीक है, इस तरह से आप डुप्लेक्स पेपर निकाल सकते हैं। और भी इसमें ऑप्शन है कि आप जो चूज करेंगे उस हिसाब से कॉपी आएगा, रिसेट कर दें। ये हो गया आपका डुप्लेक्स, ठीक है।